ये कौन से इख्तियार हैं जो असेंबली में जब बजट पास हो गया है तो हुकूमत के अराकीन आकर अपनी अपनी मर्जी से अनाउंसमेंट करते हैं। स्कीमों की रकम इजलास के बगैर कैसे बांटी जा रही है? मुत्तहिदा रहनुमा ख्वाजा इजहार का साईं सरकार से सवाल, कहते हैं ऐलानात सिर्फ लॉलीपॉप ही हैं। पार्टी के तरक्याती कामों की तारीफ की जाए, वजीर बल्दिया जाम खान शोरो भी दिफा को आ गए। आपको एज अ लीडर ऑफ अपोजिशन, एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कराची, हमारे उसको इस बात को अप्रिशिएट करना चाहिए था, नहीं कि उनको तनकीद करना चाहिए था। एमकेएम की पार्लियामानी कमेटी में शमूलियत बात कल तक टल गई। एमकेएम के मामले पर हुकूमत और अपोजिशन की मीटिंग खत्म। शाह महमूद कहते हैं अपोजिशन ने कल मुत्तहिदा वफ्द को इजलास में बुला लिया है। अपोजिशन वाले हैं तो अपोजिशन वाले मीट करेंगे ना, सरकार का क्या काम है? कौमी असेंबली में टीओआर कमेटी की तश्कील के लिए तहरीक मंजूर। अरकान की तादाद 12 ही रखने पर इत्तेफाक। एहतजाज अहसन शफाफ एहतसाब के लिए पुरुमी। एहतसाब होगा तो इंशाल्लाह सबका होगा, लेकिन वजीर आजम का सबसे पहले। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए उम्र की हद 68 साल होगी। रिटायर्ड जज, सिविल सर्वेंट या टेक्नोक्रेट चीफ कमिश्नर बन सकेगा। कौमी असेंबली में 22वीं तरमीम बिल की मंजूरी। बहस मुबाहिसा एक तरफ, तनख्वाह का मामला जो है भाई, कौमी असेंबली में अराकीन यक जबान, तनख्वाह कई गुना बढ़ाने की तहरीक मिनटों में मंजूर। तमाम मसाइल का जड़ से खात्मा कर देंगे, हमारी हुकूमत मुल्क को तरक्की की राह पर डाल देगी, वज़ीर आज़म का गिलगित में खिताब। सड़कें बनाने के फायदे गिनवा दिए। कई लोग तो कहते हैं ना कि नवाज शरीफ सिर्फ सड़कें बना रहा है, सड़कें बना रहा है। सिर्फ सड़कें नहीं बन रही, आज फाइबर ऑप्टिक मंसूबा भी यहाँ पहुँच चुका है। मेंबर आजाद कश्मीर में सुनामी की हलचल ने मौसम का मिजाज भी गर्मा दिया। पारा 41 तक पहुंच गया, पिंडाल में बैठना मुहाल। खिलाड़ियों को छांव की तलाश, गुजरात के टाइगर परफॉर्म करने पहुंच गए। हम हैं सारे साथ तुम्हारे, कदम बढ़ाओ इमरान खान। शदीद गर्मी में किसानों का पारा भी हाई। लाहौर में मुजाहिरीन ने सहाफियों पर गुस्सा उतार दिया, कैमरामैन और रिपोर्टर की पिटाई कर दी। मुल्तान निश्तर अस्पताल में स्काफ पर पाबंदी के खिलाफ नर्सों का तीसरे रोज भी एहतजाज। नर्स की खुदकुशी की कोशिश साथियों ने रोक लिया। और छुट्टियां मुबारक, साईं सरकार का आज से 24 जुलाई तक गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान। मुशावरत क्यों नहीं की? प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन नाराज। 25 मई तक स्कूल खुले रखने की जिद।